Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. This is Masood here, and you are watching my YouTube channel Learn English with Masood. Student, आज हम book one में जो most important paragraph हैं जो previous board में आ चुके हैं आज उन्हें mark करेंगे. Video को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, mark करें और mark करने के बाद उनकी उर्दू भी prepare करें. इसके बाद मैं एक और video upload करूँगा जिसमें उर्दू के साथ पैराग्राफ होंगे, फिर उनको भी हम लर्न करेंगे. आज आपने पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छी तरह लर्न करना है और उस पार्ट ऑफ स्पीच का आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आप वर्ब करेक्शन करोगे या आप ट्रांसलेशन करेंगे या अपना एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो उन सब में आपको उसकी हेल्प मिलेगी. जी, फर्स्ट लेसन है जी बटन बटन, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है इनसाइड द कॉटन वाज अ पुश बटन. इनको मार्क करें और मार्क करके इनके जो उर्दू की ट्रांसलेशन है उसको अच्छी तरह याद करें, याद करके एक नीट हैंड राइटिंग में से लिखें और जब पेपर में आप इसको अटैम्प्ट करें तो आपका एक फुल पेज यूज़ होना चाहिए. दे वेंट इन टू द लिविंग रूम एंड मिसेस स्टीवर्ट सैट इन टू नॉर्मल चेयर. उनकी चीज़ी पर वो विराजमान हो गए. और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है जी, इन द मॉर्निंग एज ही लेफ्ट द अपार्टमेंट नोमा सा द कार्ड हाफ ऑन द टेबल. उसको वो फिर अपने बटवे में डाल लेती है और जाकर ऑफिस पे उनको जोड़ कर देखती है. द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर. ये नेक्स्ट पेज पे है जी. ओपनिंग द डोर शी पिक्ड अप द पैकेज. जब कोई पैराग्राफ लंबा हो तो उसके शुरू में वो लाइन मिस करके एंड पे दे देता है या उसकी एंड वाली लाइन मिस कर देता है. अब ये एग्जामिनर की मर्जी होती है, लेकिन आप उस पैराग्राफ को पूरा तैयार करें. आई एम सीइंग दैट दे आर प्रोबेबली डूइंग इट फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट. ये भी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है. उसके बाद दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाइल शी वॉज टेकिंग डिशेज. ठीक है, जब वो इकट्ठी कर रही थी बर्तन, फिर उसने साफ किए और एंड पर ये टू पैराग्राफ्स हैं आपके पास. ही फेल अनरियल एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड हर. उसको जब एक्सीडेंट की खबर आती है तो उसको जब वो बताती है तो ये आपकी फर्स्ट लेसन पर पैराग्राफ है. Abruptly she began to smash. अब हम next lesson की तरफ चलते हैं. Next lesson is yes. ये next story है. This is the most important story. Story में से बहुत ज़्यादा दफ़ा जो हैं वो paragraph select हुए हैं. इनको अच्छी तरह तैयार करें. यहाँ पर first page पर आपको एक para मिलता है. I knew that from January until April my father. इसके नीचे एक और पैराग्राफ है. आई कुड नॉट प्रोटेस्ट. ये एक आइडियल लेंथ है इसकी. इस तरह का पैरा जो एग्जामिनर को बहुत पसंद आता है. इसी पेज पर नीचे आपके टू पैराग्राफ्स हैं. एक आपका आई लाइक दीज वुड्स के है और दूसरा आपका एंड इन अक्टूबर व्हेन द रैबिट्स वर राइप. ठीक है, ये वाला पैरा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद नेक्स्ट पेज पे ओ नो ही सेड एज ही बिगेन टू क्लाइम द सेकेंड ब्लफ. इसको मार्क करें, लर्न करें. देखें ये पेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. माई क्रोसिटी वॉज रोस्ट. ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप टू वाइप द स्वेट फ्रॉम हिज वाई. इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, इसके अंदर कोई पैरा मिस ना हो जाए. और जो आपके इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने पंक्चुएशन मार्क की उसी तरह. ये पेज जो इसका है नेक्स्ट. देन ही सैट डाउन ऑन अ ओक स्टम्प ट्री. इसके बाद 20 टाइम्स इन माई लाइफ. उसके बाद नेक्स्ट है जी समथिंग एल्स. ठीक है, जेस ही सेड मोशनिंग फॉर मी टू फॉलो हिम टू दी. ठीक है, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जी. अब नेक्स्ट जो इसका लास्ट पेज है स्टोरी का, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैराग्राफ हैं. और अगर आप देखें प्रीवियस बोर्ड के तो उसमें से इस पेज के बहुत ज़्यादा पैराग्राफ हैं. यानी ये पूरा पेज अगर आप कर लें तो वेल एंड गुड. दोस वर द डेज. फिर उसके बाद And Jesse bragged regardless of my 3 scores here and 10. I looked. ये पैराग्राफ उसने क्या किया, इसकी ये लाइन छोड़ दी और एंड आई कुड रिमेंबर उसने इसको दे दिया. फिर इसी तरह नेक्स्ट पैराग्राफ है. नाउ टू लुक एट माउंटेन स्लो. बहुत अच्छी लेंथ है इसकी. एंड Jesse almost whispered. The doctors told me to sit and to take life easy. देन 14 पेज का लास्ट है जी. ओ यस ही सेड अर्ली लास्ट स्प्रिंग. जिनकी न्यू बुक है उनको थोड़ी सारी ज़रा पेज की आगे पीछे डिफरेंस होगा, लेकिन पैराग्राफ के शुरू में देखें और उसको मार्क कर याद कर लें जी. अब नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं. दैट इज जी इम्पोर्टेंट स्टोरी है. डार्क द वर्ल्ड द गो जी. अब नेक्स्ट पेज पे हमारे पास जो आ गया वो है डार्क द वर्ल्ड द गोल्डन आइट. तो डार्क द वर्ल्ड द गोल्डन आइट में आपके पास जी ये फर्स्ट यहीं से
आपके पैराग्राफ हैं ये दो, इनको इनकी एक एक लाइन वो मिस करके इनको भी ले सकते हैं या दोनों को इकट्ठा भी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप इनको कर सकते हैं। दाग दे वर द गोल्डन हाइट। इसके बाद इसके नीचे द विंड ब्लू, ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट जी, ये वाली लाइंस, ये वाली ये भी स्टोरी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू प्रेपोजिशन, अपना पंक्चुएशन, और पंक्चुएशन जो है वो आपको इनमें से बहुत ज़्यादा आती है। फिर इसके बाद ये देखें पंक्चुएशन की लाइन है चिन अप, और उसके बाद आप नीचे देखें द देयर नेम्स, उनके नाम जो थे, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इसके अंदर वो क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन है, इसलिए आप इसको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें पंक्चुएशन की टिप्स हैं कुछ, उसे भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं जी। अब नेक्स्ट पेज पे अगर आए तो वहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट पैरा मिल जाता है, नॉनसेंस मिस्टर बिटरिंग वाला पैरा मिल जाता है, ठीक है, इसको हम प्रिपेयर करते हैं। इसके साथ नीचे एक आपको है फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये वाला पैरा आप करें, फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसके बाद नीचे आपकी वो पंक्चुएशन की लाइन है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं तो कुछ नहीं है, उसके बाद फिर नेक्स्ट हैरी के ऊपर पे चल जाएंगे, हैरी गॉट, ये वाला आपका पैरा आ गया, ठीक है, छोटा सा पैरा है, इसके अंदर एमसीक्यूज भी हैं, आपकी पंक्चुएशन लाइन भी है। इसके बाद नीचे समर बर्नड, ठीक है, समर बर्नड, तो वो वाली लाइन बड़ी इम्पोर्टेंट है, दैट इज देयर जी, यहाँ पर ये छोटा सा पैरा है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप प्रिपेयर करेंगे, और इनको लाजमी इनकी उर्दू आपने प्रिपेयर करनी है, उर्दू ट्रांसलेशन को याद करें, याद करके फिर लिखें। ये आ गया जनाब मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरा आ गया, वो बच्चे जो कहते हैं सर हमें इम्पोर्टेंट पैराग्राफ बताएं, तो उनमें से ये पैरा जो है इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, ठीक है। समर बर्न्स द कैनल्स ड्राई, उनको जलाकर जो था खुश कर दिया हुआ था। फिर नेक्स्ट पेज पे आपके पास जी वेयर डिड दे गो, कहाँ चले गए, ये सारी पंक्चुएशन की लाइन है, और फिर नीचे आप देखें तो आपको एक छोटे सा पैरा नज़र आता है, उसके साथ साथ पंक्चुएशन भी है, तो वो ये है रॉकेट वाला, ये आप कर सकते हैं इसको, ये वाला, ठीक है, ये वाला पैरा जी। ये हमारी अब जो है वो सेकंड स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। जी ये लेसन नंबर 4, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैं जब आप आए तो यहाँ पर एक रॉजर नामी लड़का है जिसने बटवा छीनने की कोशिश की है, फिर उसके बाद उसकी अच्छी खासी धुलाई हुई है और उसकी पटाई की गई, तो ये देखें यहाँ अब तक आपका एक पैरा बन जाता है, ठीक है, इसको मार्क करें और फिर इसको लर्न करें। इसके बाद इसी पेज पे कुछ नहीं है, फिर नेक्स्ट पेज पे आपके आ जाता है स्वेट, ठीक है, स्वेट पॉप्ड, उसके चेहरे से पसीना जो है वो फूट पड़ा, ये वाला, ये पैरा काफ़ी बड़ा है, वो बड़े पैरे को क्या करता है समटाइम्स एक लाइन वहाँ से छोड़ देता है और एक लाइन एंड से छोड़ देता है, उसका वो छोटा कर देते हैं। इसके बाद जो स्वेट पॉप के नीचे फिर आप आएँ तो द वाटर वॉज ड्रिपिंग, ठीक है, द वाटर वॉज ड्रिपिंग, ये वाला पैरा है, और ये आपने यहाँ तक करना है। इसमें भी पंक्चुएशन की लाइन थी, हमने मार्क की थी। आई होप कि आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, कम से कम जो आपकी पार्ट वन की लिस्ट है उसको ज़रूर प्ले किया करें ताकि मैक्सिमम बच्चों को उसका फ़ायदा हो सके, ठीक है। इसके नीचे जनाब स्वेट के नीचे एक लाइन है आपकी, नेक्स्ट पेज पे है इन अदर द वुमेन सेट, द वुमेन सेट, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाला पैरा जो है आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग, इसको भी आप प्रिपेयर कर लें। तो ये जो पैरा है ये थोड़ा सा नेक्स्ट पेज तक भी जाएगा और वहाँ पर जाकर ये प्रेजेंटेबल तक ख़त्म होगा यहाँ का, ठीक है।
ये पैरा आपका प्रेजेंटेबल में यहाँ पर ये वाला खत्म हो गया। इसके नीचे एक और पैरा है जी, इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये वो बच्चों के लिए जो कहते हैं जी इम्पोर्टेंट पैराग्राफ बनाएं, तो इस स्टोरी में से ये वाला बड़ा है, इम्पोर्टेंट है, इसको आपने ज़रूर प्रिपेयर कर लेना, ठीक है, डन हो गया। जी नेक्स्ट पेज पे अभी एक और है, शी हीटेड सम लाइमा भी, ठीक है, ये वाला उसने, ये देखें ये आपका एमसीक्यूज है। इन पैराग्राफ में आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि आपके जो एमसीक्यूज के क्वेश्चन हैं वो इन्हीं पैराग्राफ से ज़्यादातर बने। व्हेन दे फिनिश्ड, जब उन्होंने खाना फिनिश कर लिया उसके बाद फिर उसने उसको $10 दिए, यहाँ पर इसी पैराग्राफ में आपको $10 मिलेंगे। उस खातून ने उसको जेल में नहीं लेके गई, उसके साथ अच्छा सलूक किया और फिर उसको जो है वो अल्लाह हाफिज़ कहा और कहा कि आइंदा से ऐसे काम जो है वो नहीं करने। तो इस कहानी के अंदर थैंक यू मैम इसलिए उसने कहा कि, और ये आखिर में उसको थैंक यू भी नहीं कह सका, ठीक हो गया, ये हमारा थैंक यू मैम से हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ जी, लेसन नंबर 5। थैंक यू मैम के बाद आपका आ गया द पीस ऑफ स्ट्रिंग। इसमें यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पैरा नज़र आया है और ये वो भी इम्पोर्टेंट पैराग्राफ में से एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है जो इस तरह यहाँ पर आपको लर्न करना। इसमें देर वर चिकन पिजन ये सारा था। इसके बाद इसी में आपको एक सेकेंड पैरा नज़र आएगा जब वो ढोल बजाने वाला जो ढोलची है वो ऐलान करता है, इसको फिर करें। इसके बाद जी नीचे अगर आप देखें तो आपके पास एक और पैराग्राफ आपको नज़र आता है, वो है जी, वो उसके अंदर है, उसके अंदर MCQs हैं सारे और आपकी पंक्चुएशन है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, देर वॉज नो यूज़। यहाँ पर एक स्टोरी है जी, इस स्टोरी में एक मिस्टर मनाना है, उसने यूबर्ट को वो पीस ऑफ स्ट्रिंग उठाते हुए देखा और उसने उसका इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन बाद में वो मिल गया बटवा और वो कहता रहा कि मैंने बटवा नहीं उठाया बल्कि मैंने पीस ऑफ स्ट्रिंग उठाया। मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट टू द विलेज, दिस वन अनदर पैराग्राफ, इसको भी मार्क करें। और ये उसने जॉर्ज को जो बटवा मिला उसने वो अपने एम्प्लॉय को दे दिया क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था। इसके बाद नीचे ह्यूबर्ट फेल्ट दिस शेम, ठीक है, ये वाला पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू योर क्वेश्चन आंसर, विद रिस्पेक्ट टू MCQs, इसको आपने ज़रूर याद करना है। इसके अंदर वर्ड सिनोनिम भी छुपे हुए हैं और बहुत कुछ आपको इस पैराग्राफ में मिल जाता है जी। नेक्स्ट पेज पे आएँ तो वहाँ पर आपके पास सिर्फ पंक्चुएशन है। अब हम नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं जी, नेक्स्ट स्टोरी है जी हमारी द रिवॉर्ड, और रिवॉर्ड में आपके पास जो सबसे पहले पैराग्राफ नज़र आ रहा है टॉप पर, ठीक है, इसको आपने ज़रूर प्रिपेयर करना है, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है जो अक्सर पेपरों में आता है। इसके बाद इसके नीचे पंक्चुएशन की लाइन है और फिर देर वॉज अ यंग फेलो, एक ये वाला यंग फेलो वाला, वहाँ पर एक जनाब, ये स्टोरी है, इसने तकरीबन 60 ईयर्स में अपने मिशन को कम्प्लीट किया और एक बाजीगर की जो सीट है, जो पोस्ट है, उसको वहाँ पर तख्लीक किया जी। फर्स्ट पैराग्राफ के आप पर तीन पैराग्राफ आपको मिल गए, इसके अंदर पंक्चुएशन भी हैं थोड़ी हैं लेकिन पैराग्राफ एक दो ही हैं जिनको आप अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट पेज पे जी बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है पूरा, इसके अंदर ये देखें यहाँ से आपका एक पैरा शुरू होगा और ये यहाँ पर एक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और उसके बाद नेक्स्ट अगर आप आएँ तो यहाँ पर आपके पास एक और पैरा यहाँ पर नज़र आ जाता है, ठीक है, तो इस तरह ये आपके दो पैराग्राफ आपको इसमें नज़र आते हैं जी। नेक्स्ट नीचे देखें तो सो जॉर्जिस पॉइंटेड, उसने फिर ये वाला देखें, ये वाला एक पैरा आ गया, इसको आप तैयार करें, ये डिस्टेंस तक आ गया। इसके नीचे आपके पास एक पैराग्राफ है एंड से स्टार्ट होता है जनाब, वो आप यहाँ से करेंगे एंड यहाँ पर द कर्ट ग्रेट थ्रू वर टर्न इन टू हियर वी हैव रेडी, जैसे ही उसका सूट रेडी हुआ तो उसको वो कर दिया गया।
इसमें आपके पास अब यहाँ पर ये है हाउस और द ग्रेट रूम्स वार टर्न इनटू यस ये पर आपका यहाँ पर नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ इस पेज के ऊपर आपका ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पेज में आ जाएं तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ से आपका ये पैराग्राफ जो है वो एंड से स्टार्ट होकर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ से अगर आप करेंगे तो ये वाला आपको आहिस्ता करो। इसके बाद वन सी रेस्ट वाला जी बड़ा एक इम्पोर्टेंट पैरा है, एंड पर है। इसके अंदर भी आपको वोकैब एमसीक्यूज और पंक्चुएशन मिलेंगे, पैराग्राफ को अच्छे पेन से खूबसूरत करके लिखेंगे। ठीक हो गया, एंड हो गया ये हमारा रिवार्ड का। इसके बाद इसके अंदर भी आपका ये वाला वाट एवर द क्वेश्चन वाला जो है इसको आप जरूर ध्यान करिए। ठीक है, ये भी पेपरों में काफ़ी दफ़ा आ चुका हुआ है। क्लियर हो गया। यूज ऑफ फोर्स में जी सबसे पहले आपको व्हेन आई अराइव्ड ये वाला पैरा आपको मिलेगा और इसको आपने करना है सम टाइम तक, यहाँ तक आपका ये पूरा हो जाता है। ठीक है, ये वाला पैरा ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, ये पैरा आपको अक्सर मिलता है। उसके बाद ये दोनों पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, द चाइल्ड वॉज फेयरफुली ड्रेस्ड इसको मार्क करें, और उसके बाद ये नेक्स्ट इसके साथ ही पैरा है। इस दोनों को पैराग्राफ को आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे आपको जो पैरा मिलता है वो आपका है एज आई मूव्ड। ठीक है, एज आई मूव्ड ये वाला पैरा इसको जरूर करना है। ये हो गया। इसके बाद एज आई मूव्ड के बाद आपका जो नेक्स्ट पैरा पे आ जाएगा जी वो है देन आई ग्रैस्प्ड, बिल्कुल उसके नीचे आपको मिलता है देन आई ग्रैस्ड। ठीक है, इस पैराग्राफ को आप करेंगे अगेन तक, नेक्स्ट पेज के ऊपर जाएंगे हम वहां तक इसको मार्क करेंगे, ये अगेन तक आपने इसको मार्क कर लेना है। इसके बाद आपके पास है जी परहैप्स आई शुड हैव। ठीक है, परहैप्स आई शुड हैव मैं शायद छोड़ कर आ जाता और ना जाता, ये वाला देखें एक लाइन को छोड़ के ना वो नीचे से आपको दे देता है, उसी के अगले ही पैराग्राफ में आपको ये पैरा मिल जाता है। दिस इज आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। और फिर लास्ट पैराग्राफ तो बहुत इम्पोर्टेंट है इन द फाइनल, इसको भी आप मार्क करें, दिस वन, दिस इज यूज ऑफ फोर्स का लास्ट पैरा हो गया। आप चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ जी। अब नेक्स्ट स्टोरी है जी गुलिस्तान सादी। इसके अंदर आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है वंस आई किंग वाला पैरा ये आपका आ गया, पहली स्टोरी का ही पैरा है, इसको आप अच्छी तरह करेंगे। इसमें वो एक बादशाह और जो एक उसका गुलाम है पर्शियन वो सफ़र कर रहे थे और तूफान आ गया और उसके बाद वो जो था ना उसने शोर डालना शुरू कर दिया, सारे चुप करके बैठे हुए थे लेकिन वो जो स्लेव था वो बहुत शोर कर रहा था। फिर उसी स्टोरी में सार्जेंट ने उसे कहा कि सर अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उसको चुप कराता हूँ। ठीक है, फिर उसने उसको कहा इसको उठाओ और पानी में फेंक दिया, और पानी में फेंक दिया तो फिर उसको जब डूबने लगा तो उसको बाहर निकाल के
उन्होंने छोड़ दिया और अब वो जो ना वहाँ पर वो आराम से बैठ जाता है। तो फॉर इट तक इसको ये है, ये भी आपने पैरा कर लेना है। इसके बाद दी नेक्स्ट सेकंड स्टोरी में हु एवर वाला ये जो पैरा है, इसने इसको तोड़ दिया। इसमें भी एक बादशाह है जो कि उसने बताया कि छोटा जुल्म जो है वो शुरू होता है और फिर उसके बाद वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, ये दिस पैरा। इसके बाद ये नेक्स्ट अ किंग फेल सीरियसली इल, इस पैराग्राफ को करेंगे। इस स्टोरी में ज़्यादा पैराग्राफ नहीं है और जितने भी हैं उनको आप करेंगे, ये आपने स्माइल तक इसको कर लेना है जी। पैराग्राफ अगर लंबे हों तो वो क्या करता है, कभी उसको पहले को छोड़ देता है, कभी उसके एंड पे वो उसको छोड़ देता है। उसके बाद इफ़ दे फेल, नीचे ही बड़ा इम्पोर्टेंट है, जब वो आसमान की तरफ देख के मुस्कराता है और मुस्करा कर बादशाह की तरफ देखता है, तो बादशाह फिर उससे पूछता है कि तुम जब उसको ज़िबा करने लगे थे तुम इस हालत में क्यों मुस्करा रहे हो, ठीक है। तो ये वाला जो पैरा है ये आपका बड़ा इम्पोर्टेंट है इस स्टोरी में। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। द नेक्स्ट वन इज द फूलिश क्वैक, स्टोरी नंबर 9 है। इसमें आपका पहला ही पैरा आपको नजर आ जाता है, वन इवनिंग, ठीक है, इसको आप करेंगे वन इवनिंग जी। जी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है जी वन इवनिंग, अ फुलिश क्वैक का एक पैरा ही पैरा है जिसको आप मार्क करेंगे। और वो जो ऊँट था वो एक ऐसी खेत में चला गया जहाँ वाटरमेलन थे, उसने खा लिया और उसके अंदर जो था वो गले में फंस गया। इसके बाद सो दे सीज्ड, नीचे देखे पैरा आपको एक नज़र आ जाएगा। फिर उसने एक बंदा उसको देख रहा था, उसने देखा कि शायद उस ऊँट को गिलड़ की बीमारी है, तो उसने भी यही हाल एक खतून के साथ किया और वो खतून जो थी वो इसकी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो फोत हो गई। फिर उसको उन्होंने उसकी वहाँ पर कब्र खोदने के लिए लगा दिया और कब्र खोदने के बाद उसकी उन्होंने पटाई की और पटाई करने के बाद उसने उसको वहाँ से फिर उनको जाने दिया। अब ये वापस वहाँ गया और जाकर उन ऊँट वालों से पूछता है कि आपने मुझे शायद पूरा मेथड नहीं बताया गिलड़ की बीमारी को सही करने के लिए, तो मुझे तो उन्होंने पैसे देने की बजाय, फीस देने की बजाय मुझे तो मार करने बुला दिया। तो फिर उसके साथ उसकी बात होती है तो वो उसको बताता है कि मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ मसला। तो वो फिर उसके साथ वो ये भी पैरा बड़ा इम्पोर्टेंट है तो इसको आप प्रिपेयर करेंगे, दो हिस्सों में कर लीजिएगा, ठीक है। एक यहाँ से आपने कर लेना फिर दूसरा आपने यू से नीचे वाला कर लेना। तो ये जो पैरा है ये आपका इस तरह ये सेकंड पैरा भी बन जाता है इसके अंदर, ठीक है। फिर ये स्टोरी मेरी ख़त्म हुई, अब हम नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट स्टोरी है जी फुलिश क्वैक, इसके माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट। फुलिश क्वैक के बाद आपके आगे माइल्ड अटैक का लोकस्ट। इसमें एक पहला एक पैराग्राफ है छोटा सा, इसको पहले आप करेंगे और उसके बाद फिर इसी पेज पर इसी पैराग्राफ पर एक और पैरा आपको मिल जाता है और वो आपका पैरा आ जाएगा। यस, वो आपका यहाँ से शुरू होता है फॉर ऑफ कोर्स, ठीक है, फॉर ऑफ कोर्स से यहाँ से शुरू होगा। फॉर ऑफ कोर्स यहाँ से आपका एक पैरा शुरू हो जाता है नेक्स्ट। ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा ये फॉर ऑफ कोर्स, ठीक है, ये वाला करेंगे और इस पैराग्राफ को उन्होंने बीच में लिया और यहाँ पर वो जो है ये फॉर ऑफ कोर्स वाला जो पैराग्राफ है ये यहाँ से आप यहाँ तक कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद ये वाला जो अगला पैरा है ये छोटा सा है, इसके साथ आपने इसको भी अलहदा करना है। ये उसने बताया कि वो कितना वहाँ पर उसको सिचुएशन टेंस थी। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नीचे है मार्गरेट वॉज वंडरिंग व्हाट शी कुड डू, तो वो क्या कर सकती है, ये वाला पैरा आपका नीचे आ जाता है। नेक्स्ट पेज पर लुकिंग आउट से आप स्टार्ट करोगे, ये भी इम्पोर्टेंट पैराग्राफ में से शामिल होता है। इसमें भी आप इसको पूरा प्रिपेयर करेंगे और फिर वो पेपरों में हो सकता है पहली लाइन छोड़ दें या दूसरी लाइन छोड़ दें, आपने ऐसा नहीं करना, आपने उसको पूरा कर लेना है, ठीक है। द मेन स्वॉर्म वॉज नॉट सेटलिंग, ये वाला पैरा आपका आ गया यहाँ पर, इसको मार्क किया
और इसके बाद फॉर द लॉर्ड सेक्स, ये मार्गरेट का एक छोटा सा पैरा है, इसका भी आपने करना है इसको। इसके बाद नीचे एक और पैराग्राफ है, ये बट, ठीक है, ये एवरीथिंग वाज टू बी रीप्लांटेड, और इसको आप यहाँ पर, इट वाज अ रुइन, तब यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो इस तरह हमारी ये 10th स्टोरी भी ख़त्म हुई। अब हम नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टोरी है जी नंबर 11, आई हैव अ ड्रीम, एंड द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ इज इम्पॉर्टेंट, आई मीन दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट इन दिस स्टोरी, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ, द फर्स्ट वन, आई हैव अ ड्रीम, ठीक है। इसके बाद आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे माई नेशन, ठीक है, ये वाला पैरा ये है, दिस वन, यहाँ से आप इसको स्टार्ट करेंगे, ये पैरा भी आपका बहुत अच्छा पैरा बनता है यहाँ मदरबोर्ड पर, ठीक है। जी अजाने वो लेने दें, कुछ अजाने वो लेने जी, आई हैव अ ड्रीम में ये आपके सामने एक ये पैरा हो गया, उसके बाद ये आपका दूसरा पैरा आ गया, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे द स्टेट ऑफ अलबामा, फिर उसके बाद आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शैल बी, नेक्स्ट पेज पे लास्ट आपका है दिस इज आवर होप, दिस इज़ द फेथ विद विच आई रिटर्न टू साउथ कोरिया। तो इस तरह ये स्टोरी भी खत्म हुई। अब नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टोरी है जी स्टोरी नंबर 12, द गिफ्ट ऑफ मेजाई, इसका फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट यहीं से स्टार्ट होता है, और ये जो पैराग्राफ है ये आप करोगे क्रिसमस तक, ये वाला इतना तक, ठीक है, यहाँ तक आ जाता है, और हो सकता है वो नेक्स्ट लाइन भी इसमें शामिल कर ले। जी गिफ्ट ऑफ मेजाई में नेक्स्ट पैरा आपका ये आगे, इट इज नेक्स्ट, इफ अ क्वीन हैड लिव्ड इन द रूम नियर, इसको आप टू मार्क करें, एनीथिंग सो वैल्यूएबल। नेक्स्ट पेज पे आपको मिलेगा, इट वाज गुड इनफ फॉर द वॉच एज सून एज शी सॉ इट, दो पैराग्राफ हैं, फिर उसके बाद विद इन 40, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये वाला जो है ये पेपरों में आया हुआ है, फिर उसके बाद ये वाला नेक्स्ट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, द डोर ओपन्ड, ठीक है, और फिर लास्ट वन में उसी पेज के ऊपर आप देखें तो आपको ये जिम वाला फोल्ड वाला मिलता है, और इस तरह एक छोटा सा पैरा है ये भी अक्सर यहाँ पर आ जाता है, फिर उसके बाद लास्ट मेजाई वाले है, ठीक है, जिसमें मेजाई की स्टोरी लिखा कि मेजाई कौन थे और उन लोगों ने किस तरह के गिफ्ट लिए, ठीक है, ये स्टोरी होगी। अब हम नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टोरी है जी गॉड बी प्रेज, 13th लेसन है, इसमें फर्स्ट लेसन क्या, फर्स्ट ये जो पैरा है इसी पेज के ऊपर, फर्स्ट पेज के ऊपर, थ्रू देम वॉक विद अ स्टिक, इसको आप प्रिपेयर करें, इसका इंपॉर्टेंट पैरा है। इसके बाद नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट इसी लेसन में से नीचे एवरी ईद आफ्टर हिज सरमन, उसके बाद एक और नीचे से पैरा है, लाइक द चिल्ड्रन हु केम इन क्विक सक्सेशंस, फिर नेक्स्ट पेज पे व्हेन मेहरून रीच द एज ऑफ 14, उसके बाद कॉन्शियस ऑफ द एवर इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर ये पैरा भी पेपरों में काफ़ी दफा आया हुआ है, विद द पैसेज ऑफ टाइम द एपिटाइट्स ऑफ द चिल्ड्रन इंक्रीज्ड, नेक्स्ट पेज पे ही वाज द ओनली सन ऑफ हाफिज, ये भी पेपरों में आया हुआ है, दैट डे इन ऑर्डर नॉट टू डिसअपॉइंट हिज अर्स वाइल्ड सिपल, अपने शिगिर्द को उन्होंने मायूस ना किया, फिर ओवर जाए, ये भी पैरा पेपरों में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट पैरा है, और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग प्लेस द बंडल ऑफ क्लॉथ्स, ये भी इतना नहीं इम्पोर्टेंट, लेकिन ये दोनों थोड़े से ज़रा लेस इम्पॉर्टेंट है, मौलवी अबुल साई एंड वाइप द टीयर्स, ये इम्पॉर्टेंट है, मौलवी अबुल लुक फर्स्ट टूवर्ड द एल्डर स्टार्टर, ये पेपरों में आया हुआ है प्रीवियस बोर्ड में, और फिर इसी तरह ग्रेटिफाइड एंड ऑलमोस्ट गेज्ड, नेक्स्ट पेज पे है, द गे सॉन्ग्स दैट यूजली अकंपनी वेडिंग सेरेमनी इज इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है इसी स्टोरी का, इन द क्राउड देयर वॉज अ लाउड माउथ्ड बदज़ुबान हैग, बुढ़िया खातून, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप देखें तो यहाँ पर अ फ्यू मंथ्स आफ्टर द मेहरून मैरिज प्राइमरी स्कूल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ऑफ दिस स्टोरी। ये अब नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं। ओवरकोट में ये नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, इट वॉज़ अ सैटरडे इवनिंग,
फिर इसी पेज पे नीचे एज द इवनिंग एडवांस द कोल्ड बिकेम मोर इंटेंस, ये पेपरों में आया हुआ है, इम्पोर्टेंट पैसेज है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप आ जाएं, वहाँ पर आपको बाय नाउ इट वाज पास्ट 7 स्टार्टेड ऑफ अगेन लॉन्ग, ठीक है, थ्रू द म्यूजिक वॉज दो द म्यूजिक वॉज फॉरन। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको ही स्टॉप नेक्स्ट एट बुक स्टॉल, ही पिक्ड अप वन और टू मैगजीन्स और ग्रीटेड हिम फर्मली। Then go to the next page. Next page pe here we have when the couple had walked some 100 yards ahead. This is very important paragraph of this story, the most important paragraph. Iske baad the next page pe ab agar aaye to wahan par beneath the scarf there was neither a tie nor a collar. Ye theme hai story ke andar ke usne overcoat ke niche jo kapde pehne hue the wo gande aur buri halat mein the. Isme muashre ki वो लोग जो ऊपर से देखने से बड़े साफ सुथरे नज़र आते हैं, अंदर से कितने घिनौने होते हैं। द शूज़ एंड द सॉक्स नाउ केम ऑफ, उसके उतारे गए। फिर एंड पर एक क्वेश्चन है, अ स्मॉल ब्लैक कॉम अ हैंकरचीफ 6 आना, ये भी आपने याद करना है। अब नेक्स्ट स्टोरी में हमारा एक ही पैरा जी, नेक्स्ट स्टोरी है जी, लास्ट है हमारी द एंजल एंड द ऑथर। इसका फर्स्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह करें, और इसके बाद फिर आपके पास जो है नेक्स्ट आ जाता है वो है जी नेक्स्ट इसी की स्टोरी का और एक पैरा है, अगर आप उससे देखेंगे तो जी वो नेक्स्ट पेज पे आपको मिल जाएगा। इन पैराग्राफ्स को अच्छी तरह तैयार करें। इट वॉज मोर फॉर द सेक ऑफ वॉकिंग फॉर हिम, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट बुक 3 के जो इम्पोर्टेंट स्टैंजा हैं उनको मैं मार्क करवा दूँगा, उनको भी आप प्रिपेयर करके उनको अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं। तो ये लास्ट स्टोरी का लास्ट पैराग्राफ था, फर्स्ट इसका वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। कोशिश करें कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।